टीवी पर इन दिनों स्टार प्लस के शोज का भरपूर डंका बज रहा है। अनुपमा, इमली, गुम है किसी के प्यार में, पांड्या स्टोर, ये वो शोज हैं जो इन दिनों टीआरपी में भरपूर राज कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन सभी शोज की ऑन एयर डेट आसपास की ही थी। वही अब अगले 30 दिनों में टीआरपी को हिलाने के लिए 5 नई कहानियां एंट्री करने वाली हैं। खास बात यह है कि ये सभी नई कहानियां कलर्स टीवी पर दस्तक देंगी, जिनकी दमदार कहानियों ने लोगों का ध्यान अभी से ही अपनी तरफ खूब खींचा है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगले 30 दिनों में ये नए शो बाकी शोज पर भारी पड़ने वाले हैं। और इन शोज के आते ही टीआरपी को लेकर महासंग्राम भी छिड़ना तय है। कौन कौन से हैं वो 5 नए शोज आपको भी एक एक करके बताते हैं। हुनरबाज देश की शान। देश के कोने कोने से आए ऐसे ही हुनरबाजों का अपना कौशल दिखाने के लिए कलर्स टीवी मंच दे रहा है अपने नए शो हुनरबाज देश की शान के जरिए, जो 22 फरवरी से शनिवार और रविवार रात 9 बजे आएगा। इस शो का प्रोमो पहले ही लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। शो की खास बात इसकी विविधता है, जहां आपको हर तरह के हुनर को एक मंच पर देखने को मिलने वाला है। फना, जैनिमा, रिमशेक और अक्षित सुखेजा स्टारर ये शो कलर्स टीवी पर 31 जनवरी से रात 10:30 बजे के टाइम स्लॉट पर आने वाला है। फना शो इश्क में मरजावा शो की 3rd इंस्टॉलमेंट है। शो में मेन रोल में एक्ट्रेस रिमशेक पाखी के किरदार में नजर आएंगी, वहीं एक्ट्रेस जैन अगस्त्य का रोल निभा रहे हैं। शो में एक्ट्रेस रिमेक एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाली लड़की की भूमिका निभाती नजर आएंगी, जिसके प्यार में अगस्त्य इस हद तक पागल है कि वो उसका पीछा एक परछाई की तरह करता है। वो क्या कर रही है, कब किससे मिल रही है और किस किस की नजर उस पे है, हर बात पर अगस्त्य की नजर रहती है। ऐसे में एक आशिक कैसे सरफिरा आशिक बन जाएगा और कैसे अपनी ही प्रेमिका के जीवन को जंजाल बना देगा, ये आपको इस शो में देखने को मिलने वाला है। शो में जैन का इमाम नेगेटिव है, लेकिन अक्षित का किरदार शो में पॉजिटिव है। नागिन 6। नागिन 6 को लेकर पिछले काफी वक्त से बज बना हुआ है, वही शो के तमाम प्रोमो ने लोगों को और ज्यादा बेचैन कर दिया है। ये शो भी अगले 30 दिनों में सामने आने वाला है, जो 5 फरवरी को दस्तक दे सकता है। इस बार शो की कहानी देश दुनिया में फैले खतरनाक वायरस और नागिन से जुड़ी पेश की गई है। खबरें हैं कि शो में लीड रोल में महक चहल होंगी, हालांकि दूसरी नागिन कौन बनने वाली है फिलहाल इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। स्वर्णघर, रवि दुबे, सरगुन मेहता का नया शो स्वर्णघर भी अगले 30 दिनों में धमाल मचाने को तैयार है, जो टीआरपी में बड़ी जंग छेड़ सकता है। शो की कहानी 2 बिडल एज पति पत्नी की है, जिन्हें बुढ़ापे में उनके बच्चों ने ठुकरा दिया है। शो की इस इमोशनल कहानी को देखने के लिए जनता काफी क्यूरियस नजर आ रही है। शो में रौनित रॉय, संगीता घोष लीड रोल में नजर आएंगी। ऐसे में कहना ही पड़ेगा कि ये शो भी टीआरपी को हिलाकर रख सकता है। प्रेम बंदनी, कलर्स टीवी के इस नए शो के बारे में लोगों को हाल ही में पता चला है, जब कलर्स टीवी ने इस शो के प्रोमो को लॉन्च किया। एकता कपूर के इस नए शो की कहानी को उनके मशहूर शो कभी सौतन कभी सहेली की कहानी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो इसके प्रोमो से भी साफ होता नजर आ रहा है। ये शो फरवरी में लॉन्च होगा, जिसने अभी से ही लोगों को काफी एक्साइटेड कर दिया है। वेल, कलर्स टीवी पर एक साथ 5 नए शोज का बड़ा धमाका होना साफ जाहिर करता है कि टीआरपी के लिए महासंग्राम होने वाला है। हालांकि अब देखना तो ये है कि इन शोज के आने से टीआरपी में कौन सा शो टॉप 1 पर बरकरार रहता है और कौन कौन से नए शो टीआरपी में अपनी जगह बनाते हैं।